abundance makes our work easier. It is everywhere, from our kitchen to our living room, from our study room to playground, from every public place to organization. There is no hand untouched from the use of technology. It turns impossible to possible by giving world a better future. Technology is applying science to make machine work. National Technology Day in India is celebrated on 11th May to commemorate the first nuclear test at Pokhran in 1998. It is celebrated all across India. Different schools and colleges hold activities, presentations, exhibitions for celebration. We Greetings India welcome you all to this virtual celebration of National Technology Day 2023. So welcome Pankaj and Rajesh. Thank you so much for taking all of us through this. So over to you. Thank you, Vinita ma'am. Namaste bachcho, kaise ho aap log? Yes sir. Okay, so mera naam Pankaj hai, Pankaj Mishra. Main Dell mein kaam karta hoon, Vinita ma'am ne bataya, aur jaisa aapne isse pehle wala जो स्क्रीन देखा था उसमें लिखा है कि मेरा नाम पंकज मिश्रा है और मैं डेल में काम करता हूं। तो मैं एक गेस्ट स्पीकर के तौर पर यहां पे हूं आज, यानी कि मैं आप लोगों से बात करना चाहता हूं नई टेक्नोलॉजी के बारे में। लेकिन मैं कोशिश ये करूंगा कि मेरे साथ जो राजेश आए हुए हैं, जो खुद एक बहुत क्या बताऊं एक एंथुजियास्ट है और एक ऐसे इंसान है जिनको नई टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ना या पता करना काफी अच्छा लगता है, ठीक है। मैं चाहूंगा राजेश आपको कुछ एक नए टेक्नोलॉजी जिसको हम एआई कहते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं, उसके बारे में कुछ बताएं, क्योंकि आज नेशनल टेक्नोलॉजी डे है। राजेश प्लीज। गुड इवनिंग एवरीवन, थैंक यू सो मच सर फॉर द अपॉर्चुनिटी। हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब? सो आज मैं अभी एक प्रेजेंटेशन शो करूंगा आप सबको रिलेटेड टू एआई और उसके बेसिक्स। सो वी विल बी लुकिंग इनटू व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड ऑल The other technologies जो अभी evolve हो रही है all over the world. तो let's begin. Okay, so National Technology Day के बारे में पहले बात करते हैं। तो first time ये introduce किया गया था हमारे former Prime Minister अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा 11th of May 1999. So ये introduce किया गया था, reason being जो people हमारी इंडिया में work करते हैं technology field में, उनको appreciate करने के लिए और उनकी जो अचीवमेंट्स थी उनको पूरे वर्ल्ड को दिखाने के लिए और उनकी इस जो अचीवमेंट्स थी उनको अप्रिशिएट करने के लिए। और एक चीज़ है जिसके कारण नेशनल टेक्नोलॉजी डे मनाया जाता है, वो रीज़न है पोखरण में जो न्यूक्लियर टेस्ट किया गया था हमारी इंडियन आर्मी की तरफ से, उसको दिखाने के लिए। तो नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। तो हर साल इस डे का एक थीम होता है, तो इस साल का थीम है इंटीग्रेटेड अप्रोच इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर। तो नेक्स्ट बात करते हैं हम टेक्नोलॉजीज की जो अभी इमर्ज कर रही है। सो जैसे पंकज सर ने बताया, आज हम बात करेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में। सो आई बिलीव सब ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में कहीं ना कहीं कैसे ना कैसे सुना होगा। सो ये आज हम जानेंगे कि क्या होता है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI काम कैसे करता है, और साथ ही में AI का यूज, कि हम AI यूज करके क्या क्या चीजें कर सकते हैं और इसके क्या एडवांटेजेस हैं और क्या डिसएडवांटेजेस हैं। सो लेट्स बिगिन। सो सबसे पहले जानते हैं AI क्या होता है। सो AI जो है दो वर्ड से बनता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सो आर्टिफिशियल का मतलब होता है मैन मेड, मतलब इंसान के द्वारा बनाया गया, और इंटेलिजेंस का मतलब होता है थिंकिंग पावर। सो हम ये कह सकते हैं AI इज नथिंग बट अ थिंकिंग पावर विच इज मेड बाय ह्यूमंस। सो AI इज अ ब्रांच ऑफ साइंस, और एल्स आई शुड से कंप्यूटर साइंस, जिसके थ्रू हम मशीन्स या फिर हमारे आसपास के जो भी डिवाइसेस हैं उनको इंटेलिजेंट बना सकते हैं, उनको डिसीजन मेकिंग की कैपेसिटी दे सकते हैं। एंड आई वुड रिक्वेस्ट स्टूडेंट्स, प्लीज आप ये ड्राइंग्स ना करें स्क्रीन पे, क्योंकि इससे जो बाकी लोग हैं उनको दिखेगा नहीं सही से। सो टेकिंग फॉरवर्ड, सो ये यूजिंग AI हम जो हमारे आसपास के डिवाइसेस हैं या मशीन्स हैं उनको इंटेलिजेंट बना सकते हैं। सो दे कैन थिंक लाइक ह्यूमन,
एंड टेक डिसीजंस लाइक ह्यूमन. जैसे हम सोच के कुछ डिसीजंस लेते हैं यूजिंग एआई, हम ये कर सकते हैं कि जो हमारे पास मशीन से डिवाइसेस हैं उनको भी इंटेलिजेंट बना सकते हैं. नाउ लेट्स टॉक अबाउट इंपॉर्टेंस ऑफ एआई. सो मेन पर्पस ऑफ एआई, एआई को इसलिए डेवलप किया गया था ताकि जो ह्यूमन लाइव्स हैं उनको आसान बना सकें हम. तो यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो हम मशीन से करवा सकते हैं विदाउट इवन बीइंग अ ह्यूमन, लाइक ह्यूमन उसको गाइड करे या फिर उसमें कुछ फीड करे. जैसे हम होते हैं, हमें बचपन में कुछ सिखाया जाता है, वी स्टडी वी लर्न. उसके बाद जब ह्यूमन बड़े हो जाते हैं वो खुद से डिसीजंस लेते हैं, वो काम अपना खुद करते हैं. द सिमिलर थिंग एआई को भी इसीलिए बनाया गया कि कुछ चीज़ें ऐसी होती है वर्ल्ड में जिसको खुद से ऑटोमेटेड वे से हम कर सकें. सो दैट इज द रीजन व्हाई एआई वाज इंट्रोड्यूस्ड. नाउ टॉकिंग अबाउट कि व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट, नाउ इट इज इम्पोर्टेंट बिकॉज द वर्ल्ड, दुनिया में अभी जिस तरह से ग्रोथ हो रही है हर एक चीज की, टेक्नोलॉजी वाइज और बाकी सारी चीजों में जिस तरह से ग्रोथ हो रही है, टू कोप अप विद दैट वी नीड टू यूज एआई. क्योंकि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ेगी थिंग्स वैसे वैसे कॉम्प्लिकेटेड होती है. सो हर एक चीज इज नॉट लाइक पॉसिबल कि ह्यूमंस करें. सो दैट इज द रीजन एआई वाज इंट्रोड्यूस एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इन दैट सेंस. सो अभी हम जानते हैं एआई वर्क कैसे करता है, बेसिक चीजें जो एआई बनाने के लिए रिक्वायर्ड होती है. सो एआई जैसे मैंने बताया इट्स अ काइंड ऑफ मैन मेड थिंकिंग पावर. अभी थिंकिंग पावर कहाँ से आती है, हम जब छोटे होते हैं तो हमें पढ़ाया जाता है द एडुकेशन. सो एआई का एडुकेशन होता है डेटा, उसका फूड भी डेटा है, उसकी एडुकेशन भी डेटा है. तो ये कह सकते हैं हम एआई के लिए सब कुछ उसका डेटा है. सो एआई बनाने के लिए सबसे पहली चीज जो यूज होती है डेटा. सो आप एआई मॉडल को अपना डेटा प्रोवाइड करोगे, वो उसको पढ़ के या फिर उसे स्टोर करके जो प्रोसेस करेगा और उसके बाद में तैयार होता है एआई का मॉडल. अब एआई के पास डेटा है, एआई का एक मॉडल है, तो उसको टेस्ट किया जाता है यूजर्स के थ्रू. अब यूजर्स जब अपना इनपुट देते हैं, जैसे आप हो, आप अपने फोन के अंदर गूगल में कुछ सर्च करते हो, तो गूगल को आपने अपना डेटा दिया, राइट? लाइक सर्चिंग एनीथिंग, व्हाट, हाउ इज द वेदर टुडे, या फिर व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया. तो आप ये गूगल को क्वेश्चंस पूछ रहे हो और साथ में जब गूगल आपको आंसर देता है, जैसे इंडिया का कैपिटल गूगल ने बताया न्यू दिल्ली. अब आप गूगल में वापस से सर्च करते हो कि व्हाट इज द कैपिटल ऑफ अदर कंट्री और एनीथिंग व्हिच यू वांट. वो एक डेटा है जो कलेक्ट करता है. अब वो डेटा को कलेक्ट करके प्रोसेस करता है, उससे एआई का मॉडल क्रिएट होता है. सो एआई इज नथिंग बट इट्स अ सेट ऑफ डेटा. सो एआई के अंदर डेटा होता है जिसको प्रोसेस करके वो सामने आपके तरफ दिखाया जाता है. सो उसी डेटा से वो सीखता है, उसी डेटा से वो इम्प्रूव होता है और आगे चल के उसी डेटा से वो जो उसको यूज करते हैं उनकी हेल्प करता है. तो मूविंग फॉरवर्ड, अब हम जानते हैं कि एआई के एप्लीकेशंस, जैसे पंकज सर ने अभी बताया कि आप देखते हो कि एआई कहाँ है. यहाँ पे एक क्वेश्चन भी था जिन्होंने बताया कि अभी एआई का डिजिटल वर्ल्ड में ही सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन है. जी हाँ, अभी सिर्फ डिजिटली है, हम फिजिकल किसी एआई रोबोट को अभी नहीं देखते हैं, जो कि है अभी उतना नहीं है. बट टॉकिंग अबाउट एआई कहाँ कहाँ होती है, कहाँ कहाँ हो सकती है और कहाँ कहाँ ऑलरेडी है. तो अब सबके पास स्मार्टफोन्स है, राइट? अब स्मार्टफोन के अंदर आप गूगल यूज करते हैं, किसी के पास आईफोन है वो सीरी यूज करते हैं, एलेक्सा यूज करते हैं. ये भी एक तरीके के एआई मॉडल्स हैं. आप कुछ भी गूगल को, सीरी को या फिर एलेक्सा को पूछते हो, वो आपकी वॉइस पहचानता है, वो समझ पाता है कि यूजर ने क्या पूछा है और फिर वो अपने डेटा के अंदर से चेक करके आपको आंसर देता है. सो दैट इज अ काइंड ऑफ एआई. और टॉकिंग अबाउट जो कई सारे फोन्स होते हैं उनके अंदर होता है फेशियल रिकॉग्निशन. अब हर एक फोन का जो यूजर है वो अलग अलग होगा. सो विदाउट एआई इट्स वेरी डिफिकल्ट पहचान पाना कि जो यूजर यूज कर रहा है वही यूजर फेस लॉक यूज कर रहा है कि नहीं. और जो एआई की एप्लीकेशंस है वो हेल्थ केयर इंडस्ट्री में भी है अभी फिलहाल के टाइम में. जैसे कि बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं आपके फोन के अंदर हेल्थ से रिलेटेड, जो आप अपने प्रेस्क्रिप्शन अपलोड करते हो, या फिर बहुत सारे एप्लीकेशंस ऐसे हैं जैसे कि एक ब्रांड है जो चश्मा बनाता है, तो उसका एप्लीकेशन अगर आप खोल के देखोगे तो उसमें आपको बोलते हैं कि कैमरा ऑन कीजिए, वो आपके चारों साइड से फोटो लेते हैं चेहरे की, फिर आपको बताता है कि कौन सा चश्मा या फिर ग्लासेस आप पे सूट करेंगे. वो कैसे हो रहा है, वो भी एआई की मदद से हो रहा है.
बहुत सारे मेडिकल इक्विपमेंट्स ऐसे हैं जो सिर्फ पिक्चर देख के बता सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो उस तरह से हेल्थ केयर सेक्टर में काम आ रहा है हमारे एआई। और साथ ही में अभी जैसे कि आप कभी किसी कस्टमर सपोर्ट में कॉल करते हैं, स्पेशली बैंक्स, तो जैसे ही आपका टोल फ्री नंबर पे आपका कॉल लगता है, वो आपसे पूछता है, आजकल आपने सुना होगा एक वॉइस असिस्टेंट रहता है जो आपको पूछता है आपको कहाँ पे जाना है, बस बोलिए। सपोजिंगली आपने बोला कस्टमर केयर, एग्जीक्यूटिव से बात करनी है, तो आप बोलेंगे कस्टमर केयर, वो डिटेक्ट कर लेगा कि जो कॉलर है उनको कहाँ कनेक्ट करना है। सो क्वाइट इंटेलिजेंट, राइट? सो वही है, एआई जितना ट्रेन होगा उसको जितना डेटा मिलेगा इट विल बिकम मोर इंटेलिजेंट, और उसी तरह से वो और यूजफुल बनेगा इन फ्यूचर। नाउ जैसे हर एक चीज का एडवांटेजेस होते हैं, डिसएडवांटेजेस होते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है उसके भी हैं। सो लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल टॉक अबाउट द एडवांटेजेस ऑफ एआई। सो सबसे पहला एडवांटेज जो है एफिशिएंसी। ह्यूमंस आर टेंड टू मेक मिस्टेक्स, इंसानों से गलतियां होती है, बट मशीन्स जिनके पास डेटा है दे आर लेस लाइकली टू मेक एनी मिस्टेक्स। सेकेंडली दे आर मोर एफिशिएंट एंड फास्ट। जो काम एक इंसान को करने में लगता है, कोई कैलकुलेशन हो या फिर एक्स वाई जो भी काम, अगर कोई मशीन उस चीज के लिए ट्रेंड है इट विल श्योरली डू इन अ मच फास्टर एंड इन अ मच बेटर वे। दूसरी चीज है कंसिस्टेंसी। सो ह्यूमंस जो होते हैं, जैसे कि अभी आप स्कूल में हो या फिर आप वर्क पे हो, आज आप जिस एफिशिएंसी से काम कर रहे हैं इट्स नॉट श्योर कि आप कल वैसे काम करेंगे कि नहीं, कि आप बीमार हो सकते हो या फिर आपका मन नहीं है, जस्ट टू बी फ्रैंक। सो आप एफिशिएंट हमेशा नहीं रहेंगे और कंसिस्टेंट हमेशा नहीं रहेंगे, बट एआई और मशीन्स में ऐसा नहीं होता है, वो ना थकते हैं ना सोते हैं। ह्यूमंस आर अवेलेबल टेम्परेली बट मशीन्स एंड एआई हमेशा रहेंगे, आपको जब भी जरूरत है 24/7 यू कैन यूज दैट एआई। और थर्ड थिंग होता है डिसीजन मेकिंग। अब जब ह्यूमंस डिसीजंस लेते हैं उसमें बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व होती है, नॉट ओनली डेटा, बट जब मशीन्स लेती हैं उनमें बस डेटा होता है, फैक्ट्स होता है, वो फैक्ट्स के हिसाब से डिसीजन लेगा, उसमें कोई इमोशनल टच नहीं आएगा कि नहीं ऐसा करने से कुछ गलत होगा या सही होगा। इट विल टेक द डिसीजन अकॉर्डिंग टू द डेटा जो उस टाइम पे सही होता है। और जो लास्ट एडवांटेज है वो इनोवेशन। जैसे जैसे वर्ल्ड आगे बढ़ रहा है, जैसे मैंने आपको बताया कि टेक्नोलॉजी बहुत रैपिड वे में ग्रो कर रही है, तो उसके साथ साथ इनोवेशंस भी आते हैं, और एआई हमें काफ़ी मदद करता है कि दुनिया में जो प्रॉब्लम्स है उनको रिजॉल्व करने के लिए और नए नए आइडियाज़ या फिर एप्लीकेशंस बना के देने के लिए जो उन इशूज को रिजॉल्व करें। बहुत सारे प्रॉब्लम्स इन द वर्ल्ड ऐसे हैं जो ह्यूमंस नहीं देख पाते बिकॉज ऑफ उनके प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं है या फिर प्रॉपर डेटा नहीं है, बट एआई जब उसको डेटा मिलता है इट कैन टेक डिसीजंस, हेल्प अ पर्सन टू क्रिएट मोर एंड मोर यूजफुल एप्लीकेशंस एंड इनोवेट थिंग्स, और एल्स आई शुड से इन्वेंट थिंग्स। सो अब बात करते हैं डिसएडवांटेजेस। सो सबसे पहला डिसएडवांटेज जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का वो है लॉस ऑफ या फिर लैक ऑफ एम्पथी, मतलब इमोशंस नहीं होते हैं। ये एआई का एडवांटेज भी है और एक तरीके से डिसएडवांटेज भी है। डिसएडवांटेज इसलिए क्योंकि बहुत सारे ऐसे डिसीजंस होते हैं जिसमें इमोशनल टच होना जरूरी है, बट अगर सिर्फ डेटा के आधार पे डिसीजंस लिए जाएंगे दैट माइट बी रॉन्ग इन सम सिनेरियोस। सो दैट इज द मेन डिसएडवांटेज कि उसमें कुछ इमोशंस नहीं होते, एआई हैव नो इमोशंस इन इट, वो बस उसके पास जो डेटा है उसी के तरह से काम करेगा। और सेकंड थिंग होता है बायसनेस। अभी जैसे मैंने आपको बताया एआई बनता है डेटा से, आप उसमें जो डेटा डालोगे वो उसी तरह से आपको फीडबैक वापस देगा इन रिटर्न। अभी अगर उसके अंदर कुछ रॉन्ग डेटा फेड अप कर दिया जाता है, जब एंड यूजर उसको यूज करेगा तो उसको आंसर भी उसी तरह से मिलेगा, बायस्ड आंसर, जिसका मतलब पक्षपात। तो पक्षपात के साथ में आपको आंसर्स मिलेगा या फिर उसके यूसेज होंगे। थर्ड है सिक्योरिटी कंसर्न्स। अभी के टाइम में एआई काफ़ी नई चीज़ है जो गलत लोगों के द्वारा गलत कामों के लिए भी यूज़ की जा सकती है, होपफुली इट शुड नॉट बी। और जो चौथी चीज़ मैं बताना चाहूँगा आपको कि एआई पे आप कुछ भी जो भी करवाते हैं इट ऑलवेज स्टेज है, तो आप उससे कुछ भी पूछ रहे हैं, उसको आप कोई भी डेटा दे रहे हैं, इट्स ऑलवेज स्टोर्स एवरीथिंग, सो प्राइवेसी कंसर्न्स भी होते हैं उसके रिलेटेड।
So that is it about the artificial intelligence. Thank you. Hello everyone, I'm Samia and she is my friend Asta. We are the student of class 7th and today we are going to tell you about working work conveyor belt. जैसा कि आप लोग जानते होंगे जब हम कहीं ट्रैवलिंग पे जाते हैं तो हमें अपनी सेफ्टी सिस्टम के थ्रू पास करना होता है, जहां हमें अपना और अपने लगेज की चेकिंग करवानी होती है, जैसे कि एयरपोर्ट, मेट्रो स्टेशन, जहां हमें अपने लगेज को कन्वेयर बेल्ट पे हम रखते हैं। कन्वेयर बेल्ट के थ्रू हमारा लगेज चेकिंग सिस्टम कंप्यूटर के नीचे जाता है, वहां हमारा लगेज डिटेक्ट होता है कि इसमें कोई शार्प ऑब्जेक्ट, अनवांटेड ऑब्जेक्ट या कोई ऐसा मटेरियल ना हो जो उस प्लेस के लिए जाना अलाउड ना हो। चेकिंग के बाद कन्वेयर बेल्ट के थ्रू हमारा मॉडल हमें वापस मिल जाता है। इसी एप्लीकेशन पे बेस्ड हमने कन्वेयर बेल्ट बनाया है बाय यूजिंग बेल्ट्स बॉट रोबोटिक किट, जिसमें हमने टू पेयर ऑफ व्हील्स, अ पीस ऑफ पेपर, बेल्ट ब्लॉक्स, बिल्डिंग ब्लॉक्स, ब्रेन, कनेक्टिंग वायर, क्लोज लूप मोटर, टच सेंसर, कनेक्टर्स इस्तेमाल किए हैं। नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन कोडिंग। फर्स्ट मेन, देन हम लूप से जाके रिपीट फॉरएवर कमांड लेंगे ताकि हमारा मॉडल बार बार रिपीट करता रहे। देन फिर से हम लूप से ही इफ रिपीट लेंगे और उसमें फिर हम सेंसर से जाके टच स्विच लेंगे ताकि टच सेंसर को प्रेस करते ही हमारा मॉडल स्टार्ट हो जाए। देन हमें मोशन से मोटर लेनी है ताकि हमारी मोटर मूव करे। हमने यहाँ पे 20% पावर मतलब दी है। अब हम आपको रन करके दिखाते हैं। ऐसे हमारा ये मूव करेगा। थैंक यू। My name is Smita and he is my friend Shikhar Singh and Darshan. We are studying in class 7th. We are here to explain about our automatic drug testing. जैसे कि आप जानते होंगे कि घर, मोहल्ला, गली, रोड कितना गंदा रहता है, उसी के ऊपर हमने ये बेस ऑटोमेटिक ड्रग डस्टबिन बनाया। जो घर घर गली गली जाएंगे, जिससे लोग यहाँ वहाँ कचरा ना फेंके, सीधा ऑटोमेटिक ड्रग डस्टबिन में फेंके, जिससे एनवायरमेंट क्लीन रहेगा, हमें हेल्दी रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, हमें एनर्जी बनाने का हमारे हाथ ज्यादा पंप कर पाए। उसका अपोजिट एनवायरमेंट गंदा होगा, हमें नींद आएगा, से लगेगा, हम बीमार होते हैं, टाइम होता है, इसके ज्यादा आगे नहीं होते। जैसा कि आप जानते हैं हमने व्हील्स बोर्ड रोबोट किट से यूज करके हमने बनाया है, जैसे मोटर, ब्रेक, कनेक्ट वायर, कंपोनेंट और व्हील्स, बिल्डिंग ब्लॉक्स। अब हम इसको आप इसका यूज करके दिखाएंगे कैसे। अब मैं इसकी कोडिंग बताता हूँ। हमने सबसे पहले मेन का यूज किया, उसके बाद हमने रिपीट फॉरएवर का यूज किया, जिसे बार बार दोहराया था। उसके बाद हमने ब्लू मोटर की कोडिंग में हमने 10% पावर दिया, 3 सेकंड दिया। उसके बाद हमने वेट लगाया 3 सेकंड के। उसके बाद हमने एक सर्वो मोटर की 10% पावर और 90 की एंगल्स दिए। उसके बाद हमने फिर वेट का यूज किया गया। उसके बाद फिर हमने सर्वो मोटर का यूज किया गया माइनस 90 का, जिससे वो क्लोज हो सके। उसके बाद हमने फिर ब्लू मोटर की कोडिंग किया फोर बैक में, मतलब फोर बैक में, जिससे हमें वापिस आ सके। उसके बाद हमने ब्रेक कर दिया। Good afternoon one and all, my name is Vinit Kumar and I will introduce myself as a BTech engineer. I have approximately 4 years of experience working in the IT sector. I joined IT sector as a junior data scientist and right now I'm a senior trainer in the Future Skill program of Literacy India. So let's get started. So here's our first point. See, we are celebrating National Technology Day. So what is technology? Can anyone can answer? Okay. See, technology is something related to the science. Scientific knowledge is called technology. And why do we need technology? See, to make our operations easier and more convenient way, to complete in more convenient way, we use technology. Okay. So technology is something which is related to science and which is scientific knowledge. Okay. ओके अब हम क्या करेंगे, हम कुछ स्लाइसेस देखेंगे टेक्नोलॉजी के, जैसे कि डाटा साइंस क्या होता है,
मशीन लर्निंग क्या होती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है और कुछ सम अननोन टेक्नोलॉजीज जो कि अभी वर्ल्ड में चल तो रही है लेकिन हमें उनके बारे में कुछ नहीं पता. सो व्हाट इज डाटा साइंस? सी, हमें उस डाटा साइंस पढ़ने के लिए सबसे पहले ये पढ़ना जरूरी है कि डाटा क्या है और साइंस क्या है. साइंस तो किसी भी चीज की स्टडी को डीपली स्टडी करने को कहते हैं हम साइंस. ओके, तो डाटा साइंस हमको कहता है कि डाटा साइंस इज अ फील्ड ऑफ अप्लाइड मैथमेटिक्स एंड स्टैटिक्स, जिससे हम क्या करते हैं, एक डाटा को पकड़ते हैं और डाटा से, उस डाटा से क्या निकालते हैं, यूजफुल इंफॉर्मेशन. सी, ये हमारा क्वेश्चन है. अब इस क्वेश्चन में हमने क्या लिया हुआ है, इस क्वेश्चन के अंदर हमने एक लोन का एग्जाम्पल लिया है. हमने कुछ लोगों को कुछ लोन दिया. अब वो लोन 400 करोड़ रुपए का है प्राइम मेंबर्स के लिए. जो नॉर्मल आदमी है उनको नॉर्मल लोन दिया है हमने. ओके, तो हमको क्या करना है, हमको मिसिंग वैल्यूज को फिल करना है. तो ये हमारी मिसिंग वैल्यूज है. हमारे सामने एक चार्ट निकल के आया है. अब हमें क्या करना है, अब हमें इसके अंदर इन मिसिंग वैल्यूज को फिल करना है. जो हमारा पहला डाटा है वो फिल हो रखा है अच्छे से. उसके अंदर हमने क्या दिया हुआ है, उसके अंदर मिस्टर एम बानी जो है उन्होंने 400 करोड़ रुपए का लोन लिया हमसे. और हुआ क्या, उन्होंने टाइम से रिटर्न भी किया. और फिर क्या हुआ, क्या वो दूसरे लोन के लिए एप्लीकेबल है? तो आंसर क्या होगा, यस, वो एप्लीकेबल है क्योंकि उन्होंने पहला लोन अपना टाइम से दिया है. अब हम अगर अपना दूसरा डाटा देखें तो दूसरा डाटा में क्या दिया हुआ है, मिस्टर विजय माल्या इन्होंने हमसे 500 करोड़ रुपए का लोन लिया लेकिन उन्होंने वो लोन टाइम से नहीं दिया. तो क्या वो नेक्स्ट लोन के लिए एप्लीकेबल होंगे? तो आंसर क्या होगा, नो, वो नहीं होंगे. चलो तीसरा डाटा देखते हैं. तीसरे डाटा में क्या है, उन्होंने 20,000 रुपीज लिए हमसे और 20,000 रुपीज उन्होंने टाइम से रिटर्न भी किए. तो क्या वो नेक्स्ट लोन के लिए एप्लीकेबल है? तो आंसर क्या होगा, यस, वो एप्लीकेबल है क्योंकि उन्होंने पहले टाइम से हमें दिया हुआ है. और अगर हम अपना आखिरी डाटा देखें, मिस्टर ऑरेंज, उनका हमें लोन अमाउंट भी नहीं पता है और हमें ये भी नहीं पता है कि उन्होंने टाइम से लोन दिया है वापस कि नहीं दिया है, लेकिन हमें ये पता है कि यार हम वो नेक्स्ट लोन के लिए एप्लीकेबल है. तो जो आदमी नेक्स्ट लोन के लिए एप्लीकेबल होगा तो क्या उसने अपना पहला लोन टाइम से नहीं दिया होगा? तो आंसर क्या होगा, तो हमारे पास यहाँ पे आंसर मिल गया, यस, क्योंकि उन्होंने टाइम से लोन दिया होगा. अब उनकी हमें अमाउंट निकालनी है. तो अमाउंट कैसे निकालेंगे, देखो क्वेश्चन में साफ साफ मेंशन है, जो हमारे प्राइम मेंबर्स हैं उनको हमने येलो कलर से हाईलाइट किया हुआ है. ये मिस्टर ऑरेंज येलो कलर से हाईलाइटेड है और उनका लोन कितना है, 400 करोड़ मिनिमम लोन है. तो यहाँ पे हम एटलीस्ट 400 करोड़ तो डाल ही सकते हैं. और दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता है, जो 400 और 500 करोड़ हमने लिया है हम इसका मीडियन ले लेते हैं जो कि कितना बनेगा, 450 करोड़. ओके, इज इट क्लियर टू एवरीवन? तो इस तरह हम क्या करते हैं, डाटा साइंस से जो मिसिंग वैल्यूज होती हैं, जो हमारे पास डाटा होता है, जो यूजफुल डाटा होता है, हम एक लॉट्स ऑफ डाटा से अपना यूजफुल डाटा निकालते हैं. तो आगे अब हम देखेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है और मशीन लर्निंग क्या होता है. देखो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक टेक्नोलॉजी है जो कि क्या करती है, मिमिक करती है. किसको, ह्यूमन इंटेलिजेंस को. मिमिक का मतलब हुआ यहाँ पे मिमिक्री, मतलब जो ह्यूमन इंटेलिजेंस है उसकी वो मिमिक्री निकालती है. अब देखो मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहा हूं तो कहीं ना कहीं नेचुरल इंटेलिजेंस भी होगी. तो नेचुरल इंटेलिजेंस किसके पास होती है, हम ह्यूमंस के पास. हम हमारे पास वो नेचुरल इंटेलिजेंस है जिससे हम अपने आप अपने डिसीजंस ले सकते हैं. अब ना एक छोटा सा प्रोजेक्ट है, हमको क्या करना है, हमको देखना है कि यार मेरे सामने जो ऑब्जेक्ट है क्या वो एक बास्केटबॉल है या फिर कुछ और चीज है. तो मैं क्या करूंगा, एक मशीन के अंदर ये सारी इंस्ट्रक्शंस डालूंगा. उन इंस्ट्रक्शंस को डालने से क्या होगा कि मेरी मशीन डिटेक्ट करेगी कि एक्चुअली वो चीज क्या है. जैसे कि पहली इंस्ट्रक्शन मैं डालूंगा इट शुड बी राउंड, वो गोल होनी चाहिए. अब ऐसा ना हो कि मैं एक सेब रख दूं या ऑरेंज रख दूं तो वो उसे भी एक बास्केटबॉल कहे. या फिर मैंने यहाँ पे लिख दिया कि इट शुड नॉट बी ईटेबल, मतलब वो एक खाने का पदार्थ भी नहीं होना चाहिए. तो ऑरेंज एप्पल ये सारी चीज तो चलो मेरे लिस्ट से निकल गए. अब दूसरी चीज मैंने यहाँ पे लिखा है कि इसका डायमीटर होना चाहिए कम से कम भी 24.5 से 29.5 इंचेस तक. ओके, अब ऐसा नहीं हो कि कोई कद्दू ला के रख दे वो भी राउंड है ईटेबल है तो वो पहली चीज से बाहर हो गया, ठीक है, लेकिन उसका डायमीटर उतना है. अब देखो दूसरी चीज, मैं दूसरी चीज बोलता हूँ कि उसके अंदर एयर भरी होनी चाहिए, मतलब उसके अंदर मैं एयर भर सकता हूँ, ठीक है. अब देखो ये सारी चीजों के साथ मैंने एक नीचे एक चीज और दिया है, मैंने क्या लिखा है, इट शुड नॉट बी इन रिंग शेप, मतलब एक वो रिंग की शेप में नहीं होना चाहिए. अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई बाइक की या साइकिल की ट्यूब में हवा भर के ले आए और कहे कि हाँ ये एक बास्केटबॉल है. अब मैंने ये सारी चीजें इसलिए लगाई है ताकि मैं एक ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट कर सकूं,
कि हाँ यार अब ये एक बास्केटबॉल है या फिर कोई प्लेइंग बॉल है जैसे कि फुटबॉल, ठीक है। अब देखो इसके अंदर मेरे पास दो टर्म्स आती हैं, एक होती है ओवरफिट, एक होती है अंडरफिट। अब देखो अंडरफिट कंडीशन जो होती है ना, उस अंडरफिट कंडीशन के अंदर क्या होता है कि मैं चीजों को लूजली बाउंड करता हूँ, जैसे कि मैं ये चार इंस्ट्रक्शन नहीं डालता, मैं सिर्फ और सिर्फ ये डालता कि इट शुड बी राउंड। तो होगा क्या, हर राउंड शेप चीज को वो क्या कहेगा, वो कह देगा कि यार ये बास्केटबॉल है। और ओवरफिट कंडीशन में क्या होता है कि मैं चीजों को टाइटली बाउंड करता हूँ, जैसे कि मैं उसके अंदर क्या करता, एक वेट वाला पर्सपेक्टिव भी डाल देता कि उसका वेट कम से कम आधा केजी का होना चाहिए, ठीक है। अब होगा क्या, आधा केजी की तो मेरी बहुत सारी चीजें हैं, अब आधा केजी के मान लो जिस अगर मैं उसके अंदर हवा भर रहा हूं तो वो धीरे धीरे हवा निकलती भी तो है, आधा किलो मेरा मेंटेन नहीं रहेगा। अब इससे होगा क्या, मेरी एक्यूरेसी तो बढ़ेगी लेकिन क्या वो मेरी बास्केटबॉल पे डिटेक्ट कर पाएगा। तो मुझे दो कंडीशंस का ध्यान रखना है हमेशा, एक तो वो अंडरफिट नहीं होनी चाहिए, दूसरी वो ओवरफिट नहीं होनी चाहिए। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं, फुल स्टैक डेवलपमेंट। अब फुल स्टैक डेवलपमेंट में क्या होता है, ये सारी की सारी चीजें आ जाती है। आप खुद का सर्वर लेते हो, आप खुद का डाटाबेस लेते हो, ओके। मेरी दूसरी टेक्नोलॉजी है वीआर, वर्चुअल एंड ऑग्यूमेंटेड रियलिटी, आपने देखा होगा, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है कि हम एक फ्रेम तैयार करते हैं जो यूजर की आंखों में लगा देते हैं। अब यूजर की आंखों में लगाने से क्या होता है, यूजर को ऐसा एक्सपीरियंस होता है कि वो रियलिटी में खड़ा है। जैसे गेमिंग की मैं बात करूं तो उसे रियलिटी में ऐसा लगेगा वो किसी स्टेडियम में खड़ा है, उसके हाथ में बैट है, ठीक है। मेरी अगली टेक्नोलॉजी है यहाँ पे माइक्रोबियल फ्यूल्स। अब देखो माइक्रोबियल फ्यूल्स में क्या होता है कि मैं कुछ बैक्टीरिया का इस्तेमाल करता हूँ जिनकी मदद से मैं क्या करता हूँ, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता हूँ, ओके। जो मेरा वेस्ट वाटर है, वेस्ट फूड है, उन सारी चीजों को यूज करके उनके जो बैक्टीरियाज होते हैं उनकी अगली टेक्नोलॉजी है ANN। ANN क्या होता है, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स। अब देखो न्यूरल नेटवर्क्स, जिन लोगों ने बायोलॉजी ली होगी उन्हें अच्छे से पता होगा कि न्यूरल नेटवर्क्स क्या होता है। अब न्यूरल नेटवर्क्स होते हैं न्यूरॉन्स की मदद से जो हम नेटवर्क्स बनाते हैं। आपको सबको पता है कि हमारे ब्रेन में मिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स होते हैं। हमारे जो न्यूरॉन्स होते हैं ऐसे टच नहीं होते, वो इस तरह से सेपरेटेड होते हैं। अगर मेरे को एक इन्फॉर्मेशन को एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में भेजनी है तो वो जंप करके जाती है, ओके। तो अब होता क्या है, हम क्यों बनाते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो हमारी मशीन है वो विदाउट एनी इंस्ट्रक्शन खुद से अपने डिसीजन ले। वो क्यों लेगी, वो कैसे लेगी, वो न्यूरल नेटवर्क्स की मदद से लेगी। अब हमारी मशीन के पास ब्रेन तो है नहीं, तो जैसे हमने AI डाला है वैसे ही हम अपनी मशीन के अंदर ANN डालेंगे। वो क्या है, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स। Here we are going to develop a mobile application. So first of all, what is a mobile application? A mobile application is a software or a program which is used to work on a small devices like mobiles and a tablet. Any application which is any program जो कि छोटे devices को चलने के लिए बनाया जाता है या develop करा जाता है उसको mobile application बोलते हैं। और इनको है ना, इनका एक major part होता है कि इनको हम कहीं पर भी किसी भी समय use कर सकते 24/7 और ऑल अराउंड द वर्ल्ड। एक कोई भी मेन एप्लीकेशन है उसका एक की फीचर्स होते हैं और एक कई सारे की फीचर्स होते हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसमें सबसे पहला है, अभी हम ध्यान देंगे की फीचर्स क्या है, मतलब हम एक एप्लीकेशन डेवलप करते समय किन किन चीज़ों का ध्यान देना चाहिए। फर्स्ट है हमारा यूनिकनेस, जो हमारा कंटेंट होता है एप्लीकेशन का वो हमेशा यूनिक होना चाहिए, किसी से कॉपी नहीं होना चाहिए। सेकेंड उसका यूजर डिजाइन, कि एक यूजर उसे इंटरेक्ट हो यूज करने में, मतलब कुछ भी हो जाए आप एक अच्छी तरह से और उसी की तरफ फोकस रहे एप्लीकेशन की तरफ, इसलिए हम डिजाइनिंग भी अपनी अच्छी करते हैं। इसके अलावा यूजर सेटिंग, मतलब यूजर सेटिंग से मतलब हमारा जो यूजर होता है वो अपने हिसाब से उसमें चेंजेस भी कर सकते। सपोज दैट समवन यूजिंग डार्क मोड इन मोबाइल एप्लीकेशन एंड समवन यूजिंग लाइट मोड, दे it can be changed in dark to light or my phone can increase or decrease according to user setting. इसके बाद होता है hardware interface, कि एक mobile application जो भी हम develop करते हैं वो ऐसी होनी चाहिए जो minimum to minimum hardware पे काम कर सकें और maximum to maximum पे भी काम कर सके। मतलब अगर mobile में 1 GB RAM है तो भी hardware पे काम, तो भी वो application उसमें चले, और उसमें 8 GB RAM है तो भी उस पर application चलनी चाहिए। Ready to go का मतलब हमारा जो एप्लीकेशन है 24/7 चलना चाहिए, हमें कोई इशू नहीं होना चाहिए, हमारा जो इंटरफेस में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब इसके बारे में बात करते हैं, अगर हम मोबाइल एप्लीकेशन को डेवलप कैसे करते हो, मेनली हमारे पास दो प्रोसेस होते हैं मोबाइल एप्लीकेशन को डेवलप करने के। पहला, या तो हम उसको कोड यूज करें, एक मोबाइल एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए कोडिंग का इस्तेमाल करें, इसमें कि हमें
काफी चीजें रिक्वायरमेंट होते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल हमें बेसिक नॉलेज आनी चाहिए कंप्यूटर की. सेकंड कोडिंग की नॉलेज पूरी होनी चाहिए, प्लस आईडीएलीज हम कैसे यूज करते हैं वो हम उसकी हमें नॉलेज पूरी होनी चाहिए. उसके बाद हम कोडिंग करके मोबाइल एप्लीकेशन को डेवलप कर सकते हैं. सेकंड होता है वो फॉर एन ऐप बिल्डर, हमें कोई सॉफ्टवेयर चुनना चाहिए जिसके थ्रू हम इजीली बना सकते हैं, मतलब ड्रैग एंड ड्रॉप के थ्रू, जिसमें हमें कोई कोडिंग का एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, कोडिंग की हमें कोई नॉलेज भी नहीं होगी, तब भी उनकी हेल्प से हम ड्रैग एंड ड्रॉप के थ्रू बस उठाओ और अपने अकॉर्डिंग सेट करो और बना सकते हैं ऐप. सेम टू सेम इसी की तरह हमारे पास एक फ्लटर फ्लो नाम की एप्लीकेशन होती है जो कि ड्रैग एंड ड्रॉप का ही काम करती है मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट. सब कुछ यूजर इंटरफेस को इस प्रकार का होता है जो आपके राइट साइड में आपको तो दिख रहा होगा. और बात करें आखिर फ्लटर फ्लो काम कैसे करता है. फ्लटर फ्लो एक ड्रैग एंड ड्रॉप सॉफ्टवेयर है जिसमें हम कुछ एलिमेंट्स को अपने अकॉर्डिंग ड्रैग करके चिपका के अभी आगे इंटरफेस में दिखाया जाएगा. नीचे हमारे पास वेबसाइट दे रखा है फ्लटर फ्लो का. और बेसिक ये बात है कि फ्लटर फ्लो इसलिए यूज करा जाता है क्योंकि इसमें कोई कॉस्ट नहीं लगता, हम फ्री यूज कर सकते हैं और अपना एक एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हैं. साथ में इसी में नो कोड इंटरफेस का बहुत ज्यादा काम होता है. इवन यू कैन जस्ट मेक एनी एप्लीकेशन जस्ट विद ड्रैग एंड ड्रॉप, जस्ट विद सम बेसिक नॉलेज ऑफ यूआई नीडेड टू यूज अ फ्लटर. ऑन योर राइट देयर इज अ रिव्यू, इज अ रिव्यू ऑफ अ फ्लटर फ्लो वेयर यू कैन सी वी पिक अप अ विजेट और अ गैजेट और अ फीचर फ्रॉम left side to mobile frame and we can change it. Same we can use multiple time and make a web application. हमारे पास कुछ इस तरीका का इंटरफेस होता है हमारे पास Flutter Flow का, जिसमें हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड एक widget tree है सेकेंड नंबर पे. जैसे जैसे हम कोई कंटेंट इसमें ऐड करते रहते हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप करते रहते हैं, वो उसमें कंटेंट पूरा शो होता रहेगा. इसके ना फिर Flutter Flow के कई सारे फीचर्स भी हैं जिसमें हमें एक रिस्पॉन्सिव ऐप डेवलपमेंट बना सकते हैं. हम इसी के साथ ना वेब एप्लीकेशन या वेब डेवलपमेंट पे भी काम कर सकते हैं. प्लस इसी के साथ ना मल्टीपल आपको कुछ बनी बनाई टेम्पलेट्स और कुछ बने बनाए सॉफ्टवेयर जो कि फ्लटर फ्लो ने ही बनाए हैं वो आपको वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हो. साथ में इसी के थ्रू आप इजिली किसी भी वेबसाइट पे या किसी एप्लीकेशन पे पेमेंट गेटवे का भी यूज कर सकते हैं रेजर पे के थ्रू. ठीक है, फ्लटर फ्लो का कुछ इस प्रकार का इंटरफेस रहता है जिसमें कि लेफ्ट साइड में आता है आपको एक कंट्रोल बार. इससे हम किसी मतलब वेब एप्लीकेशन में आपको क्या क्या चीज़ें चेंज करनी है या लगाना है या उठाना है इसी में इसे आप इसको कंट्रोल कर सकते हो. इसके बाद आता है कुछ अपने पास ये विजिट्स, जिसमें हमारे पास कुछ एलिमेंट्स होते हैं. इन्हीं एलिमेंट्स की हेल्प से हम कोई भी वेबसाइट एप्लीकेशन प्रिंट कर सकते हैं. इन्हीं एप्लीकेशन या इन्हीं फीचर्स को आपको ड्रैग करना है और अपने वेब पेज पर प्रिंट करना है या वेब एप्लीकेशन पर प्रिंट करना है, ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, तो इसी और चेंजेस करके हम एप्लीकेशन को यूज कर सकते हैं. देखो जैसे कि वेब एप्लीकेशन पे होता है कि हमें एक पहले पेज बनाना पड़ता है और उसी के बाद अपनी एप्लीकेशन चलती है और मल्टीपल पेजेस का जोड़ के पूरी वेब एप्लीकेशन बनती है. इसी के साथ ही हमारे एक मोबाइल एप्लीकेशन में भी सेम यही फीचर होता है. हमें कई सारे पेजेस बनाने होते हैं और उन सबको जोड़ कर हम एक वेब एप्लीकेशन बना सकते हैं. इसी की तरह आप जो देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे कि हमने एक पेज बना रहे हैं हम यहाँ पे और उसी पेज को अब चेंज करें, एक पेज ऐड कर रहे हैं. जैसे हमने एक पेज डिजाइन कर लिया उसके बाद हमें एक न्यू पेज चाहिए तो उससे कनेक्ट हो जाए, तो हम वो क्रिएट का ऑप्शन आ रहा है उस पेज पर क्लिक करके क्रिएट ब्लैंक पेज क्लिक करके एक नया पेज क्रिएट कर सकते हैं. और आपके पास टेम्पलेट भी है इसका, इस प्रकार के आप ये भी सब भी यूज कर सकते हैं बने बनाए हैं. नेक्स्ट इसी के साथ जैसे हम वेब एप्लीकेशन में यूज करते हैं कि हम कुछ भी बनाते हैं तो उनको एक सेटिस्फाई फोल्डर्स के अंदर रखते हैं, इसी के साथ आप वेब एप्लीकेशन या मोबाइल एप्लीकेशन में भी ऐसा होता है कि आप कुछ भी चीज़ें वो स्पेसिफिक फोल्डर्स के अंदर रखी जाती है. एक मेन फीचर को आप स्पेसिफिक फोल्डर के अंदर रखो जिसका मल्टीपल पेजेस पे भी काम कर सकते हो. एट लास्ट वी हैव अवर प्रोजेक्ट हियर, वी मेक अ लिटरेसी इंडिया वेबसाइट एज अ मोबाइल एप्लीकेशन एंड इंडिया वेबसाइट कन्वर्टेड इनटू मोबाइल एप्लीकेशन. ये हमारा प्रोजेक्ट है, लेफ्ट हैंड साइड हमारा लिटरेसी इंडिया का जो वेबसाइट था उसके एप्लीकेशन बिल्ड किया है एंड सेकंड वन इज इंदा का जो वेबसाइट हमारा लिटरेसी इंडिया का ई कॉमर्स वेबसाइट है उसका एप्लीकेशन डेवलप कर रहे हैं. इसमें से वो अभी अपने फ्रंट एंड का दिखाया है, जो हमारा बैक एंड है फायरबेस से लिंक्ड है वो अभी उस पर काम चल रहा है. तो आगे हम कभी नेक्स्ट टाइम वी कैन शो दैट ऑल्सो नेशनल हैप्पी टेक्नोलॉजी.
नमस्कार, आज मेरे सामने गल गवर्नमेंट हाई स्कूल लिटी से कल टेक्नोलॉजी डे पर हमने एक मॉडल बनाया है। मैथ्स में एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री पे हमने मॉडल बनाया है। तो हमारा इसमें सबसे हमारा मेन टूल है ये क्लाइनोमीटर। क्लाइनोमीटर को 1889 में विलियम बी मिलिक ने बनाया था। इसे उन्होंने हाइट और डिस्टेंसेस जैसे पहाड़ों का या पेड़ों का हाइट मेजर करने के लिए बनाया था। तो इसमें हमने इस क्लाइनोमीटर के जरिए हमें अपना इस जैसे बिल्डिंग का हाइट निकालना हो, हम इससे बिल्डिंग का हाइट निकालेंगे। जैसे अभी इसका निकल रहा है 60 डिग्री, तो 10 इसका 10 एंगल 60 डिग्री निकाल रहा है। तो इसका डिस्टेंस हमें ये डिस्टेंस इधर से बिल्डिंग से यहाँ तक क्लाइनोमीटर जहाँ पर हमने रखा था उसका डिस्टेंस हमें पता चलेगा, क्योंकि ये एक ये नज़दीक है। तो इसलिए एंगल इस जो हमने एंगल निकाला था इस एंगल और इस डिस्टेंस के जरिए हम इस बिल्डिंग का जैसे बिल्डिंग का हाइट निकालेंगे। और उसी तरह जैसे यहाँ पर ट्री का हाइट निकालना हो या इन पहाड़ों का जैसे हाइट निकालना हो हम क्लाइनोमीटर के जरिए हम इन इन सब का हाइट निकालेंगे। धन्यवाद। आज का हमारा इवेंट यहीं पे खत्म होता है। आप सभी लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। आप लोग इतना पेशेंस से सुन रहे हैं, इतना टाइम से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और आप लोगों ने जो भी सीखा है, मैंने आपके जो टीचर्स हैं उनके साथ ग्रुप में लिंक शेयर किया है, और आपका जो भी फीडबैक है वर्कशॉप के रिगार्डिंग आप शेयर कर सकते हैं। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, और आज की जो सेशन है हम यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू।